अस्सलाम वालेकुम। सो अबाउट टू स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास, मेकिंग श्योर कि सारे बच्चे क्लास के बाद से सेकंड क्लास के बाद से ज्वाइन कर लें। आपको हमने लास्ट नाइट मैसेज भी कर दिया था अबाउट ए स्मॉल वर्कशीट, जो मैंने आपसे कहा था कि जो हमने खासतौर पर क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रेलेवेंट जो टॉपिक्स फर्स्ट ईयर के किए थे उससे कुछ मॉडल एमसीक्यूज होने ज़रूरी हैं ताकि थोड़ी सी हमारी एक्सपोजर इस तरफ भी हो जाए। तो एक छोटा सा हमने वर्कशीट 10 एमसीक्यूज की आपसे शेयर की थी पीडीएफ में, और होपफुली वो इस वक्त आपके पास होगी। मैं आपसे स्क्रीन पे भी शेयर कर लूँगा ताकि उसे करने में कोई परेशानी ना हो। पार्टिसिपेंट्स पूरे हो जाएं, देन वी इंशाल्लाह शेयर दी स्क्रीन विद यू। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन खुद कर लिया है तो आप आंसर्स एक तरह से कंफर्म कर लेंगे, और अगर नहीं किया है तो हम मिलके करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए कहा ये वर्कशीट है फिलहाल, ये टेस्ट और इस किस्म की चीज़ को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि सीखें कुछ, फिर इंशाल्लाह वो भी स्टेज लाएंगे। ओके, सो हियर आई एम टू शेयर द स्क्रीन ऑफ द पेपर विद यू। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है अपने वर्कशीट के, दिस इज अबाउट क्वांटम नंबर्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इफ वी जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट वन, तो ये हमारा क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमने चार कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं जिनका ताल्लुक है क्वांटम नंबर से, और कोई एक बात ऐसी है जो ठीक नहीं है। तो पहली बात लिखी गई है द वैल्यूज ऑफ एल, दिस इज फॉर द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ranges from 0 to n minus 1। तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल सही है कि एंगुलर क्वांटम नंबर जो हैं उनकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक पहले ख़त्म हो जाती है। द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल डिस्क्राइब द नंबर ऑफ सब शेल्स इन ए शेल। तो एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सब शेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बात भी सही है। द फर्स्ट फोर सब शेल दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एल 0, 1, 2, 3 आर एस पी डी एफ, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर सेकेंड ऑर्बिट होगा इफ इन द शेल एन इक्वल्स टू 2 देर इज वन सब शेल, नो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें याद है एक ऑर्बिट में एक ऑर्बिट का जितना नंबर है उसमें उतने ही सब शेल है। तो फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें एन की वैल्यू 1 है उसमें एक सब शेल है, और एन इक्वल्स टू 2 है अगर तो दो सब शेल है एस और पी। सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली नॉट करेक्ट। सो इसका मतलब है ये हमारा जवाब है। तो जो जवाब हमें चाहिए बुनियादी तौर पर जो इस सवाल का जवाब है वो बनता है डी। फिर इसके बाद हमने आपसे कहा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डज नॉट, क्या चीज ऐसी है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं बताता। इट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गिव द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इन ए सबशेल, हैज वैल्यूज व्हिच रेंजेस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल, सजेस्ट दैट देयर आर ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल। तो मेरा ख्याल है बहुत ही स्ट्रेट बात हो गई, क्योंकि आखिरी तीनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब कर रही हैं, कि इससे ही हमें पता चला कि हर सबशेल में हमेशा ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल होती है, और इसी से हमें ऑर्बिटल्स की तादाद का पता चलता है। तो स्पिन का इससे जाहिर सी बात का ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक तो फोर्थ क्वांटम नंबर से है। तो दिस इज माय आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। द एलिमेंट कार्बन हैज एन एटॉमिक नंबर 6 व्हिच इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स n n l इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल। तो आपसे ये कहा गया है कि आप इस एटॉमिक नंबर 6 की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये निकलेगी 1s2 2s2 और 2p2। तो अब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल 2p का होगा,
एंड ऑब्वियसली इट इज 2px 2py जो भी होगा, लेकिन उन्होंने आपसे सिर्फ पूछी है n और l की वैल्यू. तो इफ दे आर आस्किंग अबाउट वैल्यू ऑफ n एंड l, तो इसका मतलब है कि चाहे वो 2px हो, चाहे वो 2py हो, चाहे वो 2pz हो, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 एंड वैल्यू ऑफ l इक्वल्स टू 1. जाहिर सी बात है, जो भी झगड़ा है px py का अगर है तो वो तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का होगा ना. तो अब इसमें तलाश कीजिए कार्बन के हाईएस्ट ऑर्बिटल में n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1 होगी, तो ये कहाँ है? ये सबसे लास्ट ऑप्शन में है. ये हुए हमारे पहले तीनों क्वेश्चंस. न्यूमेरिकल नहीं है, ऐसी बात है, कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा रट्टा भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर काम करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा. अगेन नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सामने है एन एलिमेंट हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. What is the atomic number of this element? तो आपको क्या करना चाहिए भाई, आपको सिंपली गिन लेना चाहिए कि किस एलिमेंट में कितने, इस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आप गिन लीजिए. और गिनने का तरीका क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप उस कॉन्फ़िगरेशन से नंबर गिन लीजिए. तो 1s2 2s2 2p6 पहले 10 बने, 3s2 3p4 बाकी के 6 बने, तो ये टोटल हो गए 16. तो ये रहा मेरा जवाब, ए में मेरा आंसर है 16. तो अब मेरे पास ये क्वेश्चन 4 हो गया. क्वेश्चन 5, विच वन इज नॉट इम्प्लाइड बाई दी स्पिन क्वांटम नंबर. इनमें से कोई एक बात ऐसी है जो स्पिन क्वांटम नंबर जिससे ताल्लुक नहीं रखता. ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन्स, तो स्पिन क्वांटम नंबर की मेन बात है. वैल्यूज ऑफ एस आर ईदर प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये भी सही है. टू स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड. तो अब दो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दोनों अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड अरेंज करते हैं, एक नॉर्थ पोल बनता है और एक साउथ पोल बनता है. ये बात भी सही है. इसी के बिना पर मैंने आपसे कहा था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जिनका चार्ज माइनस है वो कैसे रह सकते हैं एक दूसरे को रिपेल किए बगैर. तो जवाब ये आया था कि चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल बनता है, एक साउथ पोल बनता है, और वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. That balances the electrostatic repulsion. तो ये भी बात सही है. तो फिर गलत बात यही हुई कि इसमें कोई गलत बात नहीं है. That is, हम इसके लिए लव इस्तेमाल करेंगे. None of these. That is the option D. अब आसान सी एक बात हो गई जो आप कह सकते हैं थोड़ा सा factual कि हमें वैसी जबानी याद होता है. F सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं? भाई P में 3 है, D में 5 है, और F में 7 है. So here is the answer. फिर हमने आपसे कहा ओके विच सबशेल हैज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 4 एंड एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ 2. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर किसी का 4 है तो इसका मतलब है उसमें पहले 4 आएगा, और एंगुलर क्वांटम नंबर अगर किसी का 2 है तो हमें याद है एंगुलर क्वांटम नंबर 0 होता है तो ये होता है s, 1 होता है तो p, और 2 होता है तो d. तो इट शुड बी 4d. इसको होना चाहिए 4d. तो अगर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन दिखाऊं तो लास्ट ऑप्शन है मेरे पास 4d. सो दैट शुड बी द राइट आंसर. फिर 8वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन द शेल विद n इक्वल्स टू 3. ऑर्बिटल्स के लिए हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में फॉर्मूला था कि n स्क्वायर आपको एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है. तो अगर n स्क्वायर बताता है तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, आप 3 स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आएगा 9. सो दिस 9 इज माय आंसर. वही छोटे छोटे फॉर्मूले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटम नंबर में आपको बताए थे वो हमें इस सिलसिले में अच्छी तरह याद हो. ए पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 3d इज, 3d में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पॉसिबल क्वांटम नंबर इसमें से कौन सा है, यानी इन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 3d के चार इलेक्ट्रॉन्स के चार क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर 3d में कोई इलेक्ट्रॉन है तो
आंसर्स को देखने से पहले अपना कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं। एन की वैल्यू होगी 3, एल की वैल्यू होगी 2। तो अब जिसमें एन की वैल्यू 3 या एल की वैल्यू 2 ना हो, वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर आप गिवन ऑप्शंस पर नजर दौड़ाएं तो डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डी में एल की वैल्यू 1 दी हुई है। बाकी सब में फर्स्ट टू क्वांटम नंबर 3 2 3 2 3 2 है, इसलिए उन पर तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं, तो कर रहे हैं। अच्छा, अब डी की वैल्यू अगर एल है तो एम की वैल्यू, एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? एम की पॉसिबल वैल्यूज है -2 -1 0 +1 +2। इसका मतलब है, अब आप देखिए, अगर कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें एम की वैल्यू इसके अलावा है तो वो भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अब आप देख लीजिए, ऑप्शन सी भी रूल आउट हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी में तो क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -3 दे रखी है। अब -3 तो नहीं हो सकती ना वैल्यू, या तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -2 है, -3 तो हो ही नहीं सकती। तो अब आखिरी चीज क्या रह गई, स्पिन की वैल्यू या तो +1/2 होती है या -1/2 होती है। अब आप देखिए, ऑप्शन बी में स्पिन की वैल्यू 0 दी हुई है, वो तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो फिर राइट ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? हमारे पास राइट ऑप्शन बचा ऑप्शन ए। उसमें सारी वो बातें मौजूद हैं जो किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन में होनी चाहिए जो डी ऑर्बिटल में है। जी सारा कोसो, क्या कहना चाह रही हैं? सर 7 वाला फिर से समझा दें। ओके बेटा, तो आपसे कहा गया, आपने कहा 7 वाला फिर से समझा दे। 7 वाला में आपको क्या देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, इसका मतलब है n की वैल्यू है 4, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है 2, जैसे l की वैल्यू है 2। तो अब आपको खुद अंदाजा हो कि l की वैल्यू 2 का मतलब क्या होता है, d सबशेल। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट है और d सबशेल है तो ये 4d हुआ ना, तो ये 4d हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इस तरह अब 9th वाले में भी आपने देख लिया कि जो पॉसिबल क्वांटम नंबर 3d के हो सकते हैं वो हो सकते हैं जो a में है। डी सी डी तीनों में कोई ना कोई गलती है। डी की गलती ये है कि उसमें l की वैल्यू 1 दी हुई है जबकि l की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सी की गलती ये है कि उसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 हुआ हुआ है जो कि नहीं हो सकता। बी की गलती ये है कि उसमें स्पिन 0 दी हुई है, स्पिन की तो वैल्यू या +1/2 होती है या -1/2 होती है, इसलिए सिर्फ ए वाला बिल्कुल ठीक है। फिर हमसे होम्स रूल के तहत कॉन्फ़िगरेशन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल। तो होम्स रूल के मुताबिक कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है? तो अब तफरी और दिलचस्प बात यह है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें तो होम्स रूल अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म हो रही हैं। हमें याद है कि होम्स रूल की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास ऐसा सबशेल हो जिसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, यानी पी या डी या एफ। तो ए और सी में असल मुकाबला है। सी की कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल बिल्कुल सही लिखी गई है कि पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और कहीं पेयर नहीं बनाया। लेकिन जो ए है उसमें गलती की गई है, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन थे, आपने दोनों पी एक्स में डाल दिए जबकि पी वाई भी खाली है और पी जेड भी खाली है। और होम्स रूल के मुताबिक आप उस वक्त तक पेयर नहीं बनाते जब तक किसी भी और जब तक तमाम ऑर्बिटल्स में, तमाम डी जनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो इस लिहाज से ये होम्स रूल की वॉयलेशन करने वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑप्शन ए में है। तो अब ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हमने आपके सामने लिख दिए हैं, आप उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं किए थे तो फिर अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और अगर आपने किए थे तो भाई फिर सही होगी बात। आपको चेक करने हैं कि आपका कौन सा जवाब सही है और कौन सा जवाब गलत है। तो चूंकि ये मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये मैं आपसे ये आंसर जो है स्लाइड्स में नहीं शेयर करूंगा। तो अगर आप में से किसी को ये जवाब देखने हैं, अपने पास रखने हैं, तो वो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकता है। दिस इज फॉर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। This is for next 3
एंड देन दैट्स इट. So we are back. अब ये जहन में रहे कि हम कोशिश ये किया करेंगे कि जैसे जैसे कब हमारा जो मेजर कोई टॉपिक खत्म होता है, जैसे पीरियडिक टेबल का भी इंशाल्लाह आज नहीं तो नेक्स्ट में खत्म होगा, तो फिर इसी तरह एक वर्कशीट करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि फिलहाल ये बर्डन ना हो कि हम कोई टेस्ट का हिसाब किताब रखें, लेकिन ये जरूर हो कि हम कंटिन्यूसली जो जो टॉपिक करते जा रहे हैं उनसे रेलिवेंट सवाल इसी तरह बैठ कर मिलके करें. आपको एक दिन पहले अगर बता दें तो आप कोशिश करके रखें और फिर हम क्लास में डिस्कस कर लें. ओके, बैक टू द टॉपिक जो कि हमारा चल रहा था, दैट वाज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और आपको अच्छी तरह से याद है कि हमने आपको इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये कहा था कि जनाब वो जो अफवाह प्रिंसिपल है जिसमें आपको ये सीक्वेंस पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन अपने आप को पहले किस सब शेल में डालता है और बाद में किस सब शेल में डालता है, आप उसे टेढ़े की जगह सीधा करके बनाएं तो वो पीरियोडिक टेबल का नक्शा बन जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक. और हमने ऐसा किया था, तो अब हम जरा शो कर दें कि वो जो सीधा करके हमने तरतीब लिखी थी, यस वही पीरियोडिक टेबल की शक्ल को रिप्रेजेंट भी करता है. तो ये मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ. जी सारे. जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो हम जैसे थे डिटेल वर्जन हम पढ़ रहे हैं एटम की स्ट्रक्चर का, आप उसको डायग्राम बना के दिखा सकते हैं? क्या चीज बेटा, क्या दिखा दें? डिटेल डायग्राम ऑफ द एटम, जो भी जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और उसका, आप उसको डायग्राम बना के दिखा सकते हैं? उसका कोई डायग्राम नहीं हो सकता बेटा, इमेजिनेशन है सारी ऑर्बिटल्स की शेप्स को, हम कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे थ्री डायमेंशनल शेप को, और उसकी हमें क्या जरूरत है? नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा था, मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था, मैं चाह रहा था अगर पिक्चर होती बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आती. अच्छा, बहरहाल उसकी पिक्चर पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन आपके दिल लगा रखने के लिए बना देते हैं. मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने पढ़ा है ना, उसमें आपको यही समझाने की कोशिश की है कि इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो ये क्लास 8 के बच्चों के लिए होती है, आप बड़े हो चुके हैं. बहरहाल ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और इस फर्स्ट ऑर्बिट का एस सब शेल है, ये सेकेंड ऑर्बिट का एस सब शेल है, और इसी सेकेंड ऑर्बिट में तीन पी सब शेल्स हैं, दिस आर लाइक दिस. ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जेड है. अनफॉर्चुनेटली थ्री डायमेंशनल शेप नहीं बन सकता, तो ये एक पीछे है और एक आगे है, उसका तासुर हम नहीं दे सकते. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल्स के शेप्स की वजह से चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि वो बनाने के बाद कुछ नज़र नहीं आएगा क्या है, और इसीलिए वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है. तो अब इसमें हम मज़ीद सिर्फ इतनी सी बात आपसे कहते हैं कि जैसे फर्स्ट वन एस है, उसके इलेक्ट्रॉन इस जगह पर होने का इम्कान ज़्यादा है. ठीक है ना, दिस इज फॉर वन एस. सेकेंड एस के इलेक्ट्रॉन इस जगह हो सकते हैं, यानी इस जगह उनके होने का इम्कान ज्यादा है. और पी के इलेक्ट्रॉन्स अपने लूस पर होने का इम्कान ज्यादा है. अब ये जो सिचुएशन बनी है, ये आपको जो भी रफ एस्टिमेशन या इमेजिनेशन दे सकती है, और इनके बारे में अब ऑब्वियसली हमारा हिसाब किताब ये है कि दे आर नॉट पार्टिकल जो घूम रहे हैं. सारा मसला आपको जो होता है वो ये कि आप अभी तक ये समझते हैं कि ये पार्टिकल की तरह घूम रहे हैं, ये वेव है, और जो शक्ल मैंने बनाई है इस शक्ल की, वेव की सूरत में ये वहाँ पर मौजूद हैं. सो इट्स डीप टू अंडरस्टैंड. बहरहाल ये आपकी ख्वाहिश पे मैंने बना दिया, आप इसको आराम से देख सकते हैं.
this one is px, this one is py, this one is pz, this one is 2s. तो ये है हिसाब किताब. आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लें अगर दोस्त, जरूरी चीज है. तो अब जो कुछ हम आपसे कह रहे थे वो ये था कि आपके सामने हमने ये कहा था कि जो ऑर्डर आपके पास अफबाव प्रिंसिपल से सबशेल का मिलता है, अगर हम उसे सीधा करके बनाएंगे तो वो ऐसे बनता था. ये लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में, फिर 2, 3p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5p, 6d, 7p. तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी तरतीब अफबाव प्रिंसिपल से ली गई है और टेढ़े होने के बजाय अब ये सीधी है. और इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि सारे s का एक ही कॉलम हो, सारे p का एक ही कॉलम हो, सारे d's का एक ही कॉलम हो और सारे f's का एक ही कॉलम हो. दिस इज हाउ द पीरियोडिक टेबल डिजाइन इज मेड अप ऑफ, जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहलाता है. तो अब ये चीज को जहन में रखें और अब मैं आपको इससे फिट करता हूँ उस शक्ल में ऑलमोस्ट जो कि हमारे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की है. तो ये जहन में रखते हुए जरा देखिएगा. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1s में, फिर आ रहा है 2s में, फिर आ रहा है 2p में, फिर आ रहा है 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p. आप चेक कर सकते हैं अफबाव प्रिंसिपल से कि जिस तरतीब से मैं ये बना रहा हूँ उस तरतीब में मैं कोई डंडी नहीं मार रहा. ये मैंने उसी को थोड़ा चौड़ा करके इसलिए बना दिया है कि अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस इन तमाम सबशेल्स में कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं. तो अब अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको अंदाजा है कि ये जो कॉलम 1s वाला बना हुआ है इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगी और एक जिसकी s2 होगी. तो पूरा ये जो s का रीजन है, s ब्लॉक, ये दो कॉलम्स पर मुश्तमिल है. एक s1 का कॉलम है और एक s2 का कॉलम. So this is for S1, this is for S2. तो first raw में या first period में दो element आ रहे हैं जिनकी configuration 1s1 और 1s2 है. Second में वो आ रहे हैं जिनकी configuration 2s1 और 2s2. इसका मतलब है हर subshell उन elements को represent कर रहा है जो elements, जिन elements की configuration उस पर ख़त्म होती है. तो अगर S में दो column बनेंगे तो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि D में 6 column बनने चाहिए, क्योंकि P1, P2, P3, P4, P5, P6. तो ये 6 कॉलम वाला हिस्सा आ गया जिसको हम P ब्लॉक कहते हैं. एक, दो, तीन, चार. तो ये P1, P2, P3, P4, P5, P6. फिर इसके बाद D वाला हिस्सा है और हमें अंदाजा है कि डी में 10 कॉलम आएंगे. अच्छी बात है, मुझे अपनी जगह देखकर हिसाब करना है तो जरा छोटी छोटी कॉलम्स बना दूंगा, लेकिन नक्शा आपको नजर आ रहा है वैसा ही बन रहा है. तो यहाँ 10 कॉलम आएंगे. विच आर फ्रॉम D1 to D10. और फिर यहाँ 14 कॉलम आएंगे जो कि एफ के होंगे. F1 से F1. तो ये है वो पर्टिकुलर नक्शा जो एक रॉ. अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी है, ध्यान में रखिएगा, इससे पहले जज्बाती मत हो जाएगा. इसमें कुछ अमेंडमेंट है. ये है एग्जैक्टली वो फ्लो चार्ट या कह लीजिए वो पैटर्न जिससे अफबाव प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अपने आप को फिलअप करते हैं. सो ये पीरियोडिक टेबल का अकॉर्डिंग टू द अफबाव प्रिंसिपल चार्ट बन गया. और इसके मुताबिक अगर आप देखें तो ये है फर्स्ट पीरियड. जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं ये पीरियड्स हैं. सो ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड,
ये है फोर्थ पीरियड, ये है फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवेंथ पीरियड। ठीक हो गई बात। अब फर्स्ट पीरियड में आपको नजर आ रहा है दो एलिमेंट है, एक जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और एक जिसकी 1s2 है, और वैसे भी हमें शायद याद है उनका एटॉमिक नंबर 1 और 2 होगा, और वो है हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो एक पहली अमिटमेंट हम करते हैं पीरियोडिक टेबल के हालात को देखते हुए कि अब फर्स्ट पीरियड शुरू हो रहा है लेफ्ट पर और ख़त्म भी लेफ्ट पर हो रहा है, राइट साइड पर तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो हमें पता चल गया कि हीलियम जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन बेशक S2 पर ख़त्म होती हो लेकिन उसका फर्स्ट ऑर्बिट भर जाता है, और भर जाने की वजह से वो नॉबल गैस बन जाता है, और सारी नॉबल गैसेस P6 के कॉलम में हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको भी उधर ही मुंतकिल कर दें। तो ये जो हिस्सा है हमारा इसको हमने फैसला किया कि यहां से उठाकर हीलियम को हमने इस कोने पे रख दिया। तो अब आपको पीरियोडिक टेबल की पहली चीज नजर आ रही है जो हमने चेंज की थोड़ी सी कि हाइड्रोजन इस कोने पर और हीलियम इस कोने पर। फर्क इसलिए कोई नहीं पड़ा कि अकॉर्डिंग टू दी कॉन्फ़िगरेशन पहला इलेक्ट्रॉन होगा 1s1 एक कोने पे, उसके बाद 1s2 दूसरे कोने पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में हो गए। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स आ गए? टू एलिमेंट्स। अच्छा, अब सेकेंड पीरियड में वो एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर है 3, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 4 जिसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s2, और फिर इसी तरह 5 p1 6 7 8 9 10, पूरी तरतीब से चल रहा है। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये टोटल 8, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में भी इसी तरह अगर आप नोटिस करें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3p में 6 होंगे, तो टोटल हो गए 8। एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर इसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 और 4p में 6, तो ये जो फोर्थ पीरियड है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बन रही है 18। ये हुआ एटॉमिक नंबर 19 20, फिर यहाँ 21 से लेके ये हो गया 30, और फिर 31 से लेके 36, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, पूरी गिनती कर सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ पीरियड भी ऐसा ही है कि 2s में है, 10d में है और 6p में है, तो यहाँ पे भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18, और 37, 38, ये है 39 से लेके 48 तक, और फिर 49 से लेके 54। सिक्स पीरियड सबसे बड़ा क्योंकि उसमें सारे ब्लॉक आ गए, 2s के, 4, 14f के, 10d के और 6p के, तो ये बनता है जनाब 55, 56, यहाँ 57, यहाँ आके 70, 71 से लेके 80, 81 से लेके 86। दिस इज टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम बात करें अपनी अपडेट इंफॉर्मेशन की तो सेवन्थ पीरियड पूरा भर चुका है और उसमें भी 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपनी किताब की कि अपनी बुक को फॉलो करेंगे तो बुक वालों ने 6d पर ही एलिमेंट्स को रोका हुआ है। इसका मतलब है 32, ये जो सेवन पीरियड है इसके बारे में आपको ये कहना चाहिए कि द कैपेसिटी इज 32 बट इट इज इनकम्प्लीट अकॉर्डिंग टू दी बुक। बुक पुरानी छपी हुई दर्शी बात है, ये अभी 2 साल पहले पूरा हो चुका है। तो हमें दोनों बातें जहन में रखनी है, लेकिन फॉलो बुक वाले को ही करना है क्योंकि बुक से ही हमें सब कुछ पूछा जाएगा। 87, 88, 89 से लेके 102 और 103 से लेके 112 और 113 से लेके 118, ये है प्रपोज्ड, यूँ कह लीजिए। और बहरहाल हम इसे चूंकि इनकम्प्लीट कह रहे हैं तो याद क्या रखेंगे, इसकी तादाद मेंशन नहीं करते, कैपेसिटी इसकी भी 32 है लेकिन ये इनकम्प्लीट कंसीडर किया जा रहा है, तो इसका नाम रख दिया
इनकम्प्लीट पीरियड, और इसी तरह सबकी तादाद को देखते हुए सबके नाम रखे गए हैं, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है, फर्स्ट पीरियड, वो इस निस्बत से कहला रहा है शॉर्टेस्ट पीरियड, जिनमें आठ आठ एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड्स, और जो पहले आएगा उसका नाम है फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, जो बाद में आ रहा है उसका नाम है सेकंड शॉर्ट पीरियड। इसी तरह फिर जो एलिमेंट पीरियड 18-18 एलिमेंट्स वाले हैं उनको हम कह देते हैं लॉन्ग पीरियड, जो पहले आया वो फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, जो बाद में आया वो सेकंड लॉन्ग पीरियड। और इसी तरह जो 32 वाला है इट्स ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट पीरियड। जब हम थ्योरी में थे तो हमारा फोकस इस सारे टॉपिक के बाद ये था कि आइए अब इनके बारे में सब चीज़ें लिखकर रट्टे लगा लेते हैं, और अब चूंकि हम एमसीक्यूज में हैं तो सिर्फ फ़र्क ये है कि अब हमें लिखने वाले मटेरियल से ज़्यादा समझने वाले मटेरियल से है बातें वही, लेकिन अब फोकस ये है कि ये चार्ट की लॉजिक समझ जाए, ताकि हम हर पीरियड के बारे में, देखिए हमें चार इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। पहली बात, हर पीरियड को क्या कहते हैं, ये रहा पूरा फर्स्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड और सेकंड शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ है लॉन्ग पीरियड जिन्हें कहेंगे फर्स्ट लॉन्ग पीरियड और सेकंड लॉन्ग पीरियड, सिक्स्थ वाला है लॉन्गेस्ट और सेवन्थ वाला है इनकम्प्लीट। हर एक में कितने एलिमेंट्स की तादाद है, अब अगर आप अफबाउ प्रिंसिपल का चार्ट बना लेते हैं, ये तो मैंने तफसीली बना दिया ना, जिसमें एटॉमिक नंबर और ये सब भी लिख कर दे दिए, ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है ना यहाँ, ये इससे आप ये सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी निकाल सकते हैं कि जब आपके फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2, सेकंड और थर्ड दोनों में 2s, 2p, s और p है, s और p का मतलब है 8, 8, और इसी तरह जब s, d और p ये भी होंगे तो टोटल तादाद हो जाएगी 18, 18, और जब f भी बीच में आ जाएगा तो 32 हो जाएगी, दोनों में ही 32 होनी चाहिए लेकिन इसको हम इनकम्प्लीट कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए हम ये नहीं लिखेंगे। ये हो गया 32 और इनकम्प्लीट। तो अब आप जिस तरह से चाहें, ये तादाद जहन में रखने का यही तरीका है कि आपके पास पीरियोडिक चार्ट का जो अफबाउ प्रिंसिपल से शॉर्टकट बना हुआ है वो जहन में आ जाए। दो बातें हो गई, एक हर पीरियड का नाम, एक हर पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, और तीसरी बात हुई वो एलिमेंट जिन वो पीरियड जिन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है उनकी कॉन्फिगरेशन किस सब शेल पर खत्म हो रही है। इसके लिए यू नीड दिस चार्ट, ईदर दिस वन और द शॉर्ट वन, जिसमें आपको साफ नजर आ रहा है, अगर मैं दोबारा वो लेकर आऊं कि फर्स्ट पीरियड वो पीरियड है जिसमें एलिमेंट सिर्फ 1s को भरते हैं, सेकंड पीरियड वो पीरियड है जिसमें एलिमेंट 2s और 2p को भरते हैं, थर्ड पीरियड वो पीरियड है जिसमें एलिमेंट 3s और 3p को भरते हैं, फोर्थ में 4s, 3d, 4p, फिफ्थ में 5s, 4d, 4b एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास माशाल्लाह से हर पीरियड की तीन इंफॉर्मेशन इस छोटे से चार्ट से आ गई, हर पीरियड का नाम क्या है, उसमें कितने एलिमेंट हैं और उसके एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन किस सबशेल पर ख़त्म होती है। एक आखिरी छोटी सी बात हम इसमें क्या ऐड करते हैं वो ये कि हर पीरियड किस एलिमेंट से शुरू होता है और किस एलिमेंट पर ख़त्म होता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पर जो कॉलम है जिसके ऊपर मैंने S1 लिखा था, इसे पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप्स में 1A कहते हैं, ये अल्कली मेटल्स हैं, तो हर पीरियड अल्कली मेटल से शुरू होता है, नॉबल गैसेस पर ख़त्म होता है। फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन और हीलियम है, सेकेंड वाले से अगर हम बात शुरू कर दें ये वाली, तो हमारे पास यहाँ आता है लिथियम और इसका एंड हो रहा है नियॉन पर, यहाँ आता है सोडियम फॉर थर्ड पीरियड, तो यहाँ आता है आर्गन, यहाँ आता है पोटाशियम, तो यहाँ आता है क्रिप्टॉन, यहाँ आता है रुबीडियम, तो यहाँ आता है ज़ीनॉन, यहाँ आता है सीजियम, तो यहाँ आता है रेडॉन, और यहाँ आता है फ्रेंजियम, तो हम किताब के मुताबिक ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसका नाम नहीं मेंशन करते। तो ये हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डिटेल हो गई। तो अब हर पीरियड के बारे में आपको ये चार चार इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, इनकी अगर मैं साफ सुथरी समरी बना दूँ, फर्स्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड, टू एलिमेंट्स,
hydrogen to helium. Configuration finishes at 1s. Second period, first short period. Eight elements. Lithium to neon. Configuration finishes at 2s or 2p. Third period, second short period. Again, eight elements. शुरू होता है सोडियम से और खत्म होता है आर्गन पर. Configuration 3s or 3p. Fourth period, first long period, 18 elements. Starting from potassium and ends at krypton. Configuration finishes at 4s or 3d or 4p. Fifth period, second short period, second long period, sorry. Again, 18 elements. Element starts from rubidium and ends at xenon. Configuration either is 5s, 4d, or 5p. Then sixth period. Sixth period hai. Longest period. A longest period mein aate hain 32 elements. Shuru hote hain cesium se aur ends hote hain radon par. Configuration hai 6s, 4f, 5d aur 6p. और फिर आता है सेवेंथ पीरियड. इसको आपने कह दिया इनकम्प्लीट. शुरू हुआ फ्रेंजियम से, खत्म होने का पता नहीं. एलिमेंट्स की तादाद भी नहीं लिखेंगे और फिर लिखेंगे ये 7s, 4f या 5d पे खत्म होता है. ऐसी बात है, इनकम्प्लीट है. तो अभी हम असल में वो इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहे जिनका ताल्लुक 7p से, आपकी बुक को फॉलो करते हुए. लेकिन जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एलिमेंट्स भी अब आ चुके हैं, तो 3p पूरा भर चुका है. लेकिन अभी ये टेक्स्ट बुक में नहीं आया ना, इसलिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए उस इन्फॉर्मेशन को जो बुक में है. तो अब बजाय इसके कि उस तरह से एक डिस्क्रिप्शन अंदाज से याद करें जैसा हम थ्योरी में करते थे, ये की पॉइंट्स हैं, चाहे वो चार्ट की सूरत में कर लें चाहे इस तरह कर लें. लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर बगैर सोच समझे, अगर बगैर इस लॉजिक को फॉलो किए कि ये अफबाव प्रिंसिपल से बना है और हम उसके हिसाब से समझ के करें, हम सिर्फ इसे रट्टा लगाते हैं, तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कितनी ज़्यादा है. ये याद रखना कि किस सबशेल, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, या कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है, या उसकी कॉन्फिग्रेशन क्या थी, इसमें गिचपिच हो सकती है. तो मैंने ऐसे आपसे कहा था हम पीरियड टेबल के तीन एस्पेक्ट्स देखेंगे. एक है पीरियड, एक है ग्रुप और एक है ब्लॉक. तो अभी पीरियड की सब बातें हुई. इस पीरियड की बातों में एक छोटी सी बात और आनी है जो अब हम चाहते हैं कि वो यहाँ पहले डिस्कस करें फिर आगे बढ़ें. और वो एक छोटी सी बात का ताल्लुक है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से. भाई आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी तफसील से पढ़ ली, पूरा फर्स्ट ईयर वाला हिस्सा मैंने रिपीट कर दिया. पीरियोडिक टेबल बनाते वक्त हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कंसीडर करते हैं, हम करते हैं इस बात को कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन का ख़त्म कहाँ हो रही है. बार बार मैंने यही कहा ना, ये जो आपने पॉइंट लिखा कि फोर्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट हैं, जी वो एलिमेंट हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन या तो 4s पर ख़त्म हो रही है या 3d पर ख़त्म हो रही है, या यानी ख़त्म कहाँ हो रही है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन.
क्वेश्चन, लव्स वैलेंस शेल का मतलब क्या है? वैलेंसी से निकला है, वैलेंस शेल जो है ये वो है विच कैन बी इन्वॉल्व्ड इन बॉन्डिंग। एक एटम के वो शेल या शेल्स जो उसकी तरफ से बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जिसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अंडर दी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वैलेंस शेल से मुराद होती है लास्ट ऑर्बिट। एक एटम का जो लास्ट शेल है वही उसका वैलेंस शेल होना चाहिए। बट दिस इज ओनली ट्रू फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स, बिकॉज दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ना। नॉर्मल एलिमेंट्स कौन है? एस और पी वाले, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस और पी पर ख़त्म होती है, जो फैमिली ए के हैं उनके लिए ये बात दुरुस्त है कि उनके लास्ट ऑर्बिट ही उनका वैलेंस शेल होता है, उनका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। लेकिन जिन्होंने मामला कॉम्प्लिकेटेड बनाया, जिसकी वजह से ये आइडिया मेंडेलीव ने दिया था कि एलिमेंट्स की दो फैमिलीज हैं ए और बी, ये उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जो मेजर डिफरेंस है दो ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स में वो ये है कि ये वो एलिमेंट है जिनको नॉर्मल आप कह रहे हैं, फैमिली ए का कह रहे हैं, ये वो एलिमेंट है जिनका सिर्फ लास्ट ऑर्बिट ही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। इसलिए लास्ट ऑर्बिट इज इक्वल्स टू वैलेंस शेल, लास्ट शेल इज इक्वल्स टू वैलेंस शेल। जबकि इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट शेल may also involve in bonding, may also involved in bonding for transition elements. Which are D and F. तो इसका मतलब ये हो गया कि मामला फिर कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसलिए हमने लफ्ज़ लास्ट ऑर्बिट को इस्तेमाल करना छोड़ दिया और नया लफ्ज़ बना दिया वैलेंस। क्योंकि वैलेंस के अंदर लफ्ज़ लास्ट ऑर्बिट तो आता ही आता है, वो तो कंफर्म हर एक में आएगा, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें लास्ट के साथ साथ सेकेंड और थर्ड लास्ट का भी कुछ पोर्शन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए जब हमसे कोई कहे वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें सबसे पहले ये पता हो के वैलेंस शेल में किसको शामिल करना है, क्या सिर्फ लास्ट वाले को या लास्ट से पहले वालों को भी करना है। तो और एक इसमें दूसरी बात ये है कि मैंने तो लफ्ज़ शेल इस्तेमाल किया है या ऑर्बिट इस्तेमाल किया है, कॉन्फ़िगरेशन में तो सब ऑर्बिट या सब शेल होते हैं, इसलिए मामला थोड़ा सा और पेचीदा है। क्योंकि बच्चे तो लास्ट सब शेल को कंसीडर कर लेते हैं बजाय लास्ट शेल देखने के। इसलिए अब हम बिल्कुल एहतियात से आपको बताते हैं चार तरह के एलिमेंट हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉन्फ़िगरेशन। एक वो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म होती है, एक वो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पी पर ख़त्म होती है, एक वो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी पर ख़त्म होती है, और एक वो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एफ पर ख़त्म होती है। तो चारों के लिए वैलेंस शेल कौन है, बस ख़त्म हो गई बात। तो अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन एस पर ख़त्म होती है तो उनकी उनका वैलेंस शेल कौन है? एस सब शेल ऑफ लास्ट शेल। मैं एग्जाम्पल देके भी बताऊंगा, फिलहाल रूल बता देता हूँ। पी, अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन पी पे ख़त्म होती है तो उसके वैलेंस शेल कौन है? एस एंड पी सब शेल ऑफ लास्ट शेल। अब आप देख सकते हैं ये चूंकि नॉर्मल एलिमेंट है, इन्होंने दरअसल दोनों सूरतों में इनका लास्ट ऑर्बिट गिना जाएगा। हमने ख़ास तौर पर वजाहत से बता दिया कि जब आप लास्ट ऑर्बिट गिनेंगे ख़ास तौर पर पी का, तो याद रहे ऑर्बिट कह रहे हैं तो उसमें लास्ट ऑर्बिट का एस भी शामिल होगा और पी भी शामिल होगा। और जिनकी कॉन्फ़िगरेशन ही एस पर ख़त्म होती है, इसका मतलब उनका तो पी खाली पड़ा हुआ है ना, तो उस उधर सिर्फ एस लेंगे। तो इन दोनों नॉर्मल एलिमेंट्स में मामला सिंपल है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लास्ट ऑर्बिट के जितने भी सब शेल हैं भाई सब गिन डालिए, ख़त्म हो गई कहानी। तो वो खुद ब खुद इसके अलावा और कोई नहीं बनेंगे। हाँ, जहाँ मामला टेढ़ा है वहाँ वो डी में पहली दफ़ा आया, उसमें देखिए क्या गिन रहे हैं हम, एस सब शेल ऑफ लास्ट
orbit plus d subshell of second last orbit f. इसमें तीन तीन सबशेल होते हैं, s सबशेल ऑफ लास्ट ऑर्बिट या लास्ट शेल, d सबशेल ऑफ सेकेंड लास्ट शेल या ऑर्बिट प्लस f सबशेल of third last shell. इसीलिए f हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं रखा गया है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है. उसके लास्ट के तीनों ऑर्बिट्स का कोई ना कोई हिस्सा वैलेंस शेल में इन्वॉल्व होता है, लास्ट ऑर्बिट का s, सेकेंड लास्ट का d और थर्ड लास्ट का f. इसलिए कॉन्फिगरेशन लिखकर ये तलाश करना कि कौन कौन सब शेल जो है वैलेंस शेल में आएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है. लेकिन बहरहाल कम से कम इस हद तक हमें जरूर पता हो, इससे ज्यादा डिटेल में हम एफ पे तो जाएंगे भी नहीं. हाँ डी में जरूर जाएंगे, डी में भी हल्का फुल्का हिसाब है कि लास्ट के साथ साथ सेकेंड लास्ट भी इन्वॉल्व है. तो अब ये इन डी और एफ के बिहेवियर को डिफरेंट बना देता है, दैट्स व्हाई दे बिलोंग टू अ डिफरेंट फैमिली. तो अब एग्जाम्पल देंगे, ये एमसीक्यू के लिए बड़ा आइडियल क्वेश्चन है कि हम आपसे अब ये ना पूछें कि ये एटॉमिक नंबर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दो. ये तो फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड है, ये भी आ सकता है, ऐसी बात है, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के पेपर देंगे. लेकिन अब इसमें जो तरक्की हो गई वो ये है कि हम आपको एटॉमिक नंबर देकर ये कहें बताइए इस एलिमेंट की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और चार ऑप्शन दे दिए, ये तो और भी आसानी की बात हो गई. तो आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पहले नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिखनी है अफबाव प्रिंसिपल से, और फिर इस रूल को देखते हुए फैसला करना है कि उस प्री कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा सब शेल या कौन कौन से सब शेल वैलेंस में आएंगे, फिर उनको अलग से लिख दीजिए. ठीक है ना? तो जैसे मैं आपके सामने करता हूं, अब अगर मुझे दे दिया जाए एटॉमिक नंबर 20 और कहा जाए बताइए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं सबसे पहले इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. ये कैसे पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिट कौन सा है? तो जहन में रखिएगा, इसका ये तरीका नहीं है जो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे आखिर में आ रहा हो. जी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में हमने ऑर्बिट्स की तरतीब नहीं रखी है, बहुत गिचपिच किया है. तो हो सकता है कहीं लास्ट में आने वाला ही लास्ट ऑर्बिट हो, लेकिन कभी कभी लास्ट ऑर्बिट पहले लिखा हुआ होगा और सेकेंड लास्ट बाद में लिखा होगा. तो लास्ट का ताल्लुक बड़ा सिंपल है भाई, हर एस पी डी एफ के साथ हमने कोफिशिएंट में नंबर लगाए हुए हैं, नंबर ऑर्बिट को जाहिर कर रहे हैं. व्हेन आई राइट 1s तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्बिट का एस है, When I write 2s तो ये second orbit का s है, When I write 2p तो ये second orbit का p है, 3s third orbit का s है, 3p third orbit का p है, और 4s fourth orbit का s है. तो सबसे आखिरी orbit कौन सा हुआ, सबसे बड़ा number कौन सा हुआ, 4. इसका मतलब है आप अपनी configuration में सबसे पहले तो ये देखिए कि सबसे बड़ा coefficient कहाँ आ रहा है. हो सकता है सबसे आखिर में आ रहा हो, जैसे अभी आ रहा है, सिंपल केस है, हो सकता है थोड़ा पहले आ रहा हो. तो ये है लास्ट ऑर्बिट. तो अब रूल क्या था, लास्ट ऑर्बिट का s सबशेल जो है वो मेरा वैलेंस शेल है. तो ये मामला बड़ा आसान है, जब किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन s पर खत्म हो तो आंखें बंद करके सबसे आखिर में जो s मौजूद है वो वैलेंस शेल है. ठीक है ना? तो ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो गई 4s2. पूरी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर है और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में आपने सिर्फ इसके लास्ट ऑर्बिट के s को मेंशन कर दिया. आसान काम हो गया. एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. आपसे कहा वैलेंस शेल, आपने सबसे पहले सर्च किया लास्ट ऑर्बिट, सबसे बड़ा कोफिशिएंट आपको 3 मिल रहा है, जो ये 3s में भी है और 3p में भी है. इसका मतलब ये पूरे का पूरा लास्ट